चलिए हम लोग देखेंगे कि इस तरीके की ड्राइंग्स हम लोग कैसे बनाएंगे। ये हम लोग आज देखेंगे कि ये इट्स सिंपली ड्राइंग्स है। ये 17 नंबर पेज पे सेकंड नंबर की ड्राइंग है हमारी, जो कि ये बनाएंगे हम लोग 2D विथ 3D में। अब ये ड्राइंग्स आपने मैकेनिकल में और भी पहले इससे पहले देखी होगी। अगर जो भी पहली बार इसको देख रहा है इस ड्राइंग को, तो आप हमारी नोट्स में देख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या होगा आपको, तो सबसे पहले तो इस ड्राइंग को मैं डिलीट कर देता हूँ और इसके डायमेंशन के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले जाना है टॉप व्यू पे और यहाँ करना है आपको 2D वायर फ्रेम, और यहाँ पे लेना है एक लाइन जो कि लाइन होगी 80 की, और यहाँ से नीचे एक सेगमेंट आएगी, वो सेगमेंट रहेगी 90 की। अब यहाँ पर और एक लाइन आएगी हमारी जिसकी साइज़ होगी 110, और इसको सिलेक्ट करते हुए हम लोग एम स्पेस करके इसका सेंटर पॉइंट लेके हम लोग यहाँ पे रख देंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग एक ऑफसेट देंगे 8 का, जो कि यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होगा, और ये 8 का जो लाइन है ऑफसेट, लाइन ऑफसेट, तो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे 80 वाले ड्राइंग पे। आफ्टर दैट ये जो 80 वाली डायमेंशनल ड्राइंग है, जिसकी आपको डायमेंशन भी अभी देख के दिखाता हूँ कितनी है 80, और इसकी डायमेंशन कितनी हम लोग ने ली है 10, और इसकी कितनी ली हम लोग ने 8। तो ये देखे दिखाइए आपको, इसी तरीके से वर्क करना है आपको। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको एक फिलेट लेना है, वो कहाँ से लेना है, F एंटर और R एंटर लेके आपको 10 का फिलेट लेना है। यहाँ पे रेडियस लेना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से ऑफसेट लेंगे हम लोग जो कि होगा हमारा 10 का, यहाँ से 10 का ऑफसेट, यहाँ से 10 का ऑफसेट और यहाँ से 10 का ऑफसेट, और इसको भी F एंटर और R एंटर करके 8 का फिलेट ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। आफ्टर दैट यहाँ से हम लोग ये जो अनवांटेड सेगमेंट थी उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफसेट भी दे सकते हो आप, जैसे कि मैं 4:4 का ऑफसेट दे रहा हूँ यहाँ पे, 4:4। अब यहाँ पे डायमेंशन अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप डायमेंशन भी देख सकते हो कि टोटल डायमेंशन मैंने 8 का दिया है, ठीक है, यानी कि 4:4 का ऑफसेट दिया है। आफ्टर दैट यहाँ से जो नीचे वाले पॉइंट से जो ऑफसेट लाइन जा रही है यहाँ पे ऊपर, तो वो जा रही है आपकी 55 की, और यहाँ जाने के बाद सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, जो कि 10 के रेडियस के साथ होगा और दूसरा होगा आपका 15 के रेडियस के साथ, और यहाँ पे जो भी अनवांटेड लाइन होगी वो ट्रिम कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये 55 वाली नहीं करेंगे आप, यहाँ से ये भी ट्रिम कर देंगे आप यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से आपको सर्कल लेना है, सी स्पेस करते हुए यहाँ से सर्कल लेंगे आप रेडियस 12 का, 1:2, और यहाँ से फिर से एक सर्कल लेंगे जिसकी साइज़ होगी रेडियस की वो होगी 20। अब यहाँ पे आपको ट्रिम कर देना है अनवांटेड जितने भी आपके सेगमेंट रहेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आप सिमिलरली ट्रिम करते जाइए, तो ये ट्रिम होते चले जाएगा। अब यहाँ से ये ट्रिम करके करते हुए डिलीट कर देंगे। अब इसको डायरेक्टली शिफ्ट दबा के आपको रोटेट करना है, नहीं तो यहाँ से रोटेट आप जो भी आपकी साइज़ होगी या रोट होगी उस तरीके से आप रोटेट करवा लीजिए। यहाँ से भी आप कर सकते हो रोटेट, किस तरीके से यहाँ पर रोटेट करना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको डायरेक्टली क्या करना है, प्रेस पुल पे जाना है और ये प्रेस पुल कर लेना है यहाँ से, जो कि आप बिफोर प्रेस पुल आप कंसेप्शनल भी कर सकते हो, और यहाँ से प्रेस पुल कर लीजिएगा जिसकी साइज़ होगी 45, और शिफ्ट दबा के घुमा लीजिएगा, यहाँ से फिर से एक बार प्रेस पुल कर दीजिए जिसकी साइज़ होगी 25, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इस तरीके का हम लोग ने हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बनाया है। अब यहाँ पे हमें जाना है इसके कौन से टूल पे, लेफ्ट हैंड साइड टूल पे, उसके बाद फ्रंट हैंड साइड टूल पे, बिल्कुल ये फ्रंट हैंड साइड टूल पे हमें जाते हुए
ये 2D पे क्लिक कर देना है और यहाँ से एक लाइन लेनी है जो एल स्पेस की सपोर्ट से आ रही है। इसकी साइज 20 की लेनी है आपको और यहाँ से नीचे देना है साइज आपको कितना 10 का। और यहाँ पे सर्कल लेते हुए यहाँ पे एक सर्कल लेना है जिसकी साइज रहेगी कितनी 5 की। और ये सब सेगमेंट आप यहाँ से ट्रिम कर देंगे। अब ये जो सर्कल है इसको मिरर भी कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। आफ्टर दैट आपको फिर से कंसेप्शनल में जाना होगा और इसको जो ये जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं इसको प्रेस पुल कर देना होगा बैक साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा जो व्यू है वो बन जाता है आपका। कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू में आप जाके देख लीजिए, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू, नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू और यहाँ पे साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू, या कोई भी व्यू पे आप जाके देखेंगे या कंटिन्यूसली घुमाएंगे तो आपको ये ड्राइंग कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको, ठीक है। अगर सही तरीके से इसके डायमेंशन चाहिए तो आपका व्हाट्सएप नंबर कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपकी इसकी ओरिजिनल फाइल आपको दे दूंगा विद PDF के साथ और विद डायमेंशन के साथ। ओके, थैंक यू।